एक थी बहू और एक थी सास, दोनों में बनती नहीं थी। अब आप तो जानते हैं कि सास और बहू में बनना एक मुश्किल टास्क है, और सारी भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो इन्हीं दोनों लोगों की मेहरबानी से ही चल रही है। तो जैसा होता है वैसा हो रहा था। बहू को सास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, सास को भी बहू बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है। बहू को लगता था कि किसी तरह सास से मुक्ति मिल जाए तो जीवन बहुत सुखद हो जाए। ऐसे ही सोचकर वो एक दिन अपने पिताजी के पास पहुंची, जो कि बड़े अच्छे वैद्य थे, और उनकी वो इकलौती लड़की थी। तो उसने अपना दुखड़ा पिताजी से रोया कि भाई ऐसा ऐसी सिचुएशन है और सास मुझे बिल्कुल जीने नहीं देती और मैं उसके साथ रह ही नहीं सकती, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे इस सास से जल्दी ही छुट्टी मिल जाए। पिता तो पिता, लेकिन पिता ने बहुत समझाया उनको कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और चीज़ें एक टाइम के बाद ठीक हो जाती हैं, लेकिन अब लड़की की जिद तो जिद और इकलौती लड़की, तो करें क्या। तो थक हार के पिता ने सोचा कि इसको, इस जिद्दी लड़की को ऐसे तो समझाया नहीं जा सकता, तो चलो कुछ उपाय करते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक चूर्ण बनाकर देता हूँ, वो अपनी सास को दोनों टाइम खाने के बाद जरूर दिया करो, और 6 महीने के बाद धीरे धीरे वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन का जो काटा है वो भी साल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, और शर्त ये है कि इन 6 महीने में तुम उन्हें जितना कुछ अच्छा खिला पिला सकती हो, जितना अच्छा प्यार दे सकती हो, जितना सम्मान दे सकती हो, जिस हद तक उनकी सेवा कर सकती हो, वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगी तभी ये संभव होगा। मन मार कर लड़की ने कहा कि अरे 6 महीने की बात है, 6 महीने में कुछ भी किया जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है, चलो करके देख लेते हैं। तो अब बहू ने सास को खूब अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना शुरू किया, उनकी बहुत सेवा करनी शुरू की, उनका आदर करना शुरू किया, उन पर प्यार बरसाने लगी। जब 2-3 महीने बीतने लगे तो सास को लगा कि मेरी बहू में ऐसा परिवर्तन कैसे, और मेरी बहू मेरे लिए इतना कुछ सोचती है, इतना कुछ करती है, इतना कुछ चाहती है, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करती, मैं उसके जीवन में कमी निकालने की कोशिश करती हूँ, ये गलत है। और फिर सास का भी हृदय परिवर्तन हो गया, और सास ने भी तमाम अपने आंचल का जो प्यार था अब बहू पर निछावर करना शुरू कर दिया। जब 2-2.5 महीना बीत गया और बहू ने देखा कि भाई सास तो तगड़ी होती जा रही है, इनको तो कोई बीमारी ही नहीं है, पिताजी कह रहे थे 6 महीने में चली जाएंगी, और ये है कि और भी सेहतमंद और सेहतयाब होती जा रही हैं, भागी भागी वो पिता के पास पहुंची। उसने कहा, आपने क्या खिला दिया, क्या दे रहे हैं, वो तो और हट्टी खट्टी होती चली जा रही हैं। उन्होंने कहा, चिंता न करो, अभी 3 महीने बाकी हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस दवा का तरीका ही यही है कि इसमें पहले सेहत बहुत अच्छी होती है और उसके बाद एक बार खेल बदल जाता है। खैर बहू अपने घर पहुंची और फिर वो अपने काम में तन्मयता से लग गई। जैसे जैसे 5 महीने बीतने शुरू हुए, अब हुआ ये कि सास की सेहत थोड़ी गड़बड़ होने लगी। हुआ ये कि उन्हें एक मौसमी तौर पर जो इन्फेक्शन होता ही रहता है वो हो गया, और वो थोड़ा बीमार पड़ गई। अब उनके बीमार पड़ते ही बहू की स्थिति बदल गई। उसे लगा कि अगर ये बुज़ुर्ग औरत, ये जो हमारे जीवन में है और आज मुझ पर इतना ज़्यादा स्नेह लुटा रही है, अगर मेरे जीवन से चली जाएगी तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊँगी, तुरंत इसे रोकना चाहिए। वो तुरंत भागी भागी पिता के पास पहुंची और कही कि पिताजी, वो दवा तो तुरंत बंद कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी सास इस जीवन से जाए, उसके रहने से मेरा जीवन बहुत भरा पूरा है और उसके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी महसूस करती हूँ। पिता ने कहा कि पगली, तुम क्या समझती हो, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, ऐसे ही मैंने वो चूर्ण दिया था तुम्हें, वो चूर्ण पेट ठीक रखने वाला चूर्ण था, इसकी वजह से तुम्हारी सास की का पेट ठीक हो रहा था, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था, वो अच्छा खाना खा रही थी, अच्छा डाइजेशन हो रहा था, और तुमने इसके बीच में जो उनकी सेवा की, इससे उनका परिवर्तन हो गया, तो तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी सास को जहर दे रहा था। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत गहरा पहलू छिपा है। पहलू ये है कि बहू चाहती नहीं थी कि सास जीवन में उसके साथ रहे, और उसने एक्सट्रीम पर जाकर ये सोचा कि वो उसे एलिमिनेट कर दे, लेकिन एक झूठ करना शुरू किया उसने, एक ड्रामा करना शुरू किया, सास को प्रेम करने का ड्रामा, उसका सम्मान करने का ड्रामा, उसकी देखभाल करने का ड्रामा। बहू ने तो ये झूठ में शुरू किया था,
लेकिन सास को लगने लगा कि वो सही में उसके साथ प्यार करती है, उसकी इज्जत करती है, उसकी सेवा करती है और उसके प्रति उसके मन में बहुत सुंदर भाव है। इस वजह से सास के जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उसके मन में जो परिवर्तन हुआ, उसके सोच में जो परिवर्तन हुआ, वो एकदम सच्चा था, वो एकदम पवित्र था। वो अपनी बहू को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, मन की गहराई से प्रेम करने लगी थी। और जब वो मन की गहराई से प्रेम करने लगी थी तो बहू के अंदर भी वो परिवर्तन, वो जो झूठ था वो धीरे धीरे सच में बदलना शुरू हो गया। और इसके बाद तो वो कहानी कहती ही है कि वो दोनों बहुत सुख और आराम से अपना जीवन बिता रही थी। तो अगर हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में, हम कि जिसे पसंद नहीं करते, जिसके साथ हमारी मुश्किल है, जिसके साथ हमारा झगड़ा है, अगर हम अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, अपनी सोच, अपना विचार बदल करके, अपना व्यवहार बदल करके उससे मिलें तो शायद ये फार्मूला काम कर जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला काम करता होगा। ऐसी ये कहानी है, हम लोगों ने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी बावर्ची, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। कहानी यूं है कि उसमें एक शांति निवास है, नाम को शांति है, घर में पूरी अशांति फैली रहती है। घर में एक दादाजी हैं, उनके पास एक बक्सा है जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे गहने पड़े हुए हैं और सारी फैमिली उसी इंतज़ार में रहती है कि कब दादाजी निकलें और वो सब चीज़ें हम लोगों को मिल जाएं। एक बड़े भैया हैं जो लगातार ये शिकायत करते रहते हैं कि उनका जीवन जो है परिवार को चलाने में ही खप गया, जीवन नष्ट हो गया है उनका। एक मझले भाई हैं जो हिस्ट्री के टीचर हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम इस घर से दूर कहीं घर बसा के रहते तो शायद बहुत सुख और अच्छे से रहते। इस ज्वाइंट फैमिली में दुनिया भर की परेशानियां और तबाहियां जो हैं उसकी वजह से हमें मुश्किल होती रहती है। एक छोटे भाई हैं जो अपने संगीत में ही मस्त रहते हैं और दो बच्चियाँ हैं जिसमें एक के माता पिता नहीं हैं और सभी लोग उससे काम इतना कराते रहते हैं जैसे आप देखते हैं कि नौकरानियों से जैसे लोग काम कराते हैं, पर वो खुशी खुशी वो सब कुछ करती हैं। इस मुश्किल माहौल में एक बावर्ची उस घर में आता है जिसका नाम रघुनंदन है, जिसे लोग ऐसे रघु कहते हैं। रघुनंदन का एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि भाई अपना काम तो सभी लोग करते हैं, दूसरे के काम में कुछ हाथ बटा के देखो तो कितना सुखद होता है, कितना अच्छा लगता है। रघुनंदन अपनी इसी फिलॉसफी, इसी पॉलिसी के तहत पूरे घर के लोगों की मदद करता फिरता है। हालांकि वो बावर्ची है, बाकी उसका काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तमाम काम लोगों के मदद के तौर पर करता रहता है। जब पूरे माहौल पर रघु छा जाता है तब वो बड़े भैया के पास पहुंचता है और कहता है कि बड़े भैया, मजले भैया कह रहे थे कि मैं कितना नालायक हूँ कि इतना कुछ भी पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ जिसकी वजह से बड़े भैया को इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। काश कुछ मैं इतनी मेहनत कर पाता, इतना पैसा पैदा कर पाता कि बड़े भैया को इस उम्र में काम नहीं करना पड़ता, अब उन्हें आराम करना पड़ता। बड़े भैया ने सुना, अरे ऐसा कह रहा था? तो बड़े भैया ने कहना शुरू किया कि देखो रघु, ऐसा है कि ये जो मझला भाई है मेरा, वो बहुत ब्रिलियंट था, ये सब मेरी कमी थी। वो इतना तेज था कि उसे ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए भेजना चाहिए था, पर मैं उसको भेज नहीं पाया, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब रघु ये दोनों बातें दोनों भाई को जाकर बताता है और दोनों भाइयों के मन में जो एक स्वार्थ की वजह से एक दूसरे से दूरी बनी हुई थी, एक करीबी बनने लगती है। वो ये सोचता है कि अरे बड़े भैया तो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मझला भाई सोचता है कि बड़े भैया ऐसा सोचते हैं, बड़ा भाई सोचता है कि मेरा छोटा भाई ऐसा सोचता है। ऐसे ही सारा कुछ करके रघु देवरानी के साथ, जिठानी के साथ ऐसे रिश्ते पैदा कर देता है जिससे कि सारा घर जो अशांति भवन बना हुआ था वो फिर से शांति भवन बन जाता है। क्या कहानी है ये? ये कहानी बहुत सिंपल सी है और इसमें जो मौजू है, उसमें जो बात है, उसमें जो तथ्य है वो क्या है? वो यही कि एक घर में रहने वाले लोग भी अपने छोटे छोटे स्वार्थ को लेकर के इतना ज़्यादा उसमें मुब्तला होते हैं कि वो दूसरे की मुश्किलें, दूसरे की परेशानियाँ नहीं समझ पाते। एक आदमी बाहर से उस घर में आता है और हर एक व्यक्ति के मन की स्थिति को दूसरे को बताता है। वो पूरी ये कोशिश करता है कि एक व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति एक आदर, एक प्रेम, एक सौहार्द का भाव पैदा हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि रघु जैसा कोई आदमी हमारे जीवन में आए तभी ऐसा कर सकते, ये हम सभी कर सकते हैं। उस परिवार का कोई व्यक्ति भी कर सकता था, वो सभी मिल के भी कर सकते थे। लेकिन मुश्किल तो यही है कि हम जब एक परिवार में या एक समाज में रहते हैं
तो हमारे छोटे छोटे स्वार्थ जो हैं वो दूसरे को विरोधी के रूप में देखने लगते हैं। अगर हम एक समन्वय के रूप में देखें, अगर सबके साथ जीवन बनाने के लिए एक के सुख में अपने सुख को देखें, तो शायद मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा कि जीवन ज़्यादा सुखमय और ज़्यादा आसान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अखिलेश ऐसा फिल्मों में ही होता है, ऐसा कहाँ संभव, इस तरह से कैसे संभव हो सकता है। पर सच पूछिए तो ऐसा संभव हो सकता है। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कह सकते हैं कि यार हमेशा ये पॉलिसी जो है, ये हमेशा ये फार्मूला नहीं चलेगा। बात ठीक है, एक ही फार्मूला सब जगह कैसे चल सकता है, पर जहाँ ये फार्मूला चल सकता है वहाँ तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे संबंध बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तो शायद रहीम ने कहा है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वो रस डोलत आपनो उनके फाट तंग। रहीम कहते हैं कि आप ही बताइए कि एक केले के पेड़ के साथ एक बेर के पेड़ का संग यानी साथ कैसे निभेगा। केले के बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लंबे चौड़े चौड़े आपने पत्ते देखे होंगे, और बेर में कांटा होता है, तो दोनों को साथ लगा दिया। अब जब हवा चली तो केले का पत्ता तो झूम कैसे झूमता है ना, खुश होकर हवा में ऐसे, जैसे ही झूमता है वैसे ही बेर के पास पहुंचते उसके सारे अंग फट जाते हैं, उसके कांटे उसे फाड़ देते हैं। तो ये दो व्यक्तित्वों की कहानी, एक परिवार की नहीं है, दोनों एक फैमिली के नहीं है, दोनों एक अलग फैमिली के हैं। तो ऐसे लोगों को एक साथ लगाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में ये सब तो हो सकता है ना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दें, ये करना भी ज़रूरी है। और एक गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ लिखें ज़रूर, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, और भी कुछ अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए तो वो भी ज़रूर कहें। शुक्रिया, थैंक यू।